नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महोबा से कम से कम 100-150 किलोमीटर दूरी पर आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही चमत्कारी और आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर बहुत पुराने राजा रहा करते थे, और आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर अब अंदर एंट्री लेते हैं, तो एंट्री लेते ही यहाँ पर नीचे देखिए कि पहले ज़माने में फैस हुआ करता था, फैस था पहले, लेकिन अब खुद कर फेंक चुका है, तो एक गड्ढा टाइप में बन चुका है और यहाँ की दीवारें सभी टूट चुकी हैं। टूटी हुई दीवारों पर अब एंट्री करते हैं, और जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि पूरा दीवारें और लेंटर टूट चुका है। और आगे चलते हैं और लेंटर पे भी चलते हैं, जो यहाँ पर बहुत विशाल तरीके से फट चुकी हैं दीवार। यहाँ पर एक विशाल तालाब है। इसमें खास बात तो यह है कि इस तालाब में बहुत पहले पूर्वज बताते हैं कि इसमें कई प्रकार से कि इसमें करोड़ों वर्ष पहले बहुत कुछ सोना चांदी भी पाया गया था, जो आज आज भी शायद में इसमें पाया जाता है। और यहाँ पर एक बहुत विशाल चमत्कारी पेड़ भी है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो और आगे चलते हैं और सभी और दिखाते हैं। यहाँ पर भी फट चुके हैं दीवारें, और छत भी, लेंटर भी टूट चुका है। अब लेंटर देखिए किस भव्य तरीके से टूटा हुआ है, जिसको कोई धोखे से हो। तो और आप उस पेड़ के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि यह पेड़ कौन सा फल देता है। वैसे फल तो कोई नहीं लगे दिखते हैं, लेकिन आप बताइए यह पेड़ किस चीज़ का है, मतलब यह फल कौन सा देता है और यह किसके काम में आता है। लेकिन यहाँ के लोग तो बताते हैं कि यह दी इससे बहुत प्रकार की दवाई भी बनती हैं, जिससे कुछ बीमारी भी ठीक होती हैं। और इन दोनों पेड़ों को गौर से देखिए। यहाँ पर बहुत राजा घूमने के लिए आया करते थे और यहीं पर रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पर राजा और रानियों के बहुत छोटे छोटे प्रकार के महल बनाए गए थे। तो उनमें से कुछ महल यहीं पर है, कुछ आगे भी हैं, जो आपको वीडियो में हम दिखाएंगे। तो अब चलिए और दिखाते हैं कि चलिए और इसके आगे चलते मंदिर हैं, या हम एक एक गली से देख आपको आई रूबरू है। कराएंगे। और यह जंगलों में बनी हुई है, पहाड़ों के बीच में स्थित है, और यह पहले सीमेंट की नहीं बना करती थी, यह केवल चुनी मिट्टी से बनी होती थी, और इसमें ईंटें लगे रहते थे, जो ईंटें आज के ज़माने में नहीं होती हैं। आज के ज़माने में बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं, पहले केवल चौकोर ईंट बनी हुई होती थी। और आगे चलते हैं और बताते हैं कि यह मध्य प्रदेश में स्थित पलेरा में बनी हुई हैं, जो पहाड़ों के बीच में स्थित है। और चलते हैं, गढ़ी के अंदर भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से डिजाइन की हुई है, जो बहुत विशाल तरीके से डिजाइन की हुई है, भव्य तरीके से। और यहाँ पर चमत्कारी बात यह है, कुछ दुखद भी है कि यहाँ पर आज भी पूजा होती है। तो और आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसा माहौल है। ऊपर देखिए, एक एक डिजाइन देखिए, बहुत भव्य तरीके से डिजाइन की गई है, जो आज के ज़माने में नहीं होती है। अब चलते हैं और आगे दिखाते हैं, देखो अंदर देखो, ये जाएंगे और पहले दिखाएंगे। ज़माने में बहुत बहुत कारीगरी बहुत विशाल तरीके से की गई है, जो आज के ज़माने के कारीगर नहीं कर सकते हैं। तो
दिखाइए, एक एक डिजाइन दिखाइए। ऐसे ही हम नए नए बेटियों अपनी पुरानी धरोहरों को बचाने के लिए लेकर आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना। और चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये चौतरा बना हुआ है और पेड़ लगा हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि इसी के बगल में जो ये घड़ी देख रहे हैं, इसमें मूर्ति रखी हुई थी। तो आज के ज़माने में आप इस समय मूर्ति नहीं है, क्योंकि पहले ये मूर्ति गायब हो चुकी थी। आप चलते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ये चौतरा देख रहे हैं ना, इसी पे बैठ के हर साल हर महाशिवरात्रि को पुजारी पूजा करने के लिए बैठते हैं, और पूजा करके ने के लिए बहुत अनेक प्रकार से लोग आते हैं। और चलते हैं और दिखाते हैं कि इस पेड़ भी बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ का माहौल देखिए, बहुत भव्य तरीके से, विशाल तरीके से डिजाइन की गई है, और यहीं पर ये महल बना हुआ है, और यहीं पर मुजरा करने के लिए चौतरा भी दो तरीके के बनाए गए हैं, दोनों चौतरा दिखाइए। और अब यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो पुतली टाइप में है, जो बहुत विशाल तरीके से बनाई गई हैं। और यहाँ का महल देखिए, तो किस तरीके से भव्य तरीके से विशाल मंदिर बना हुआ है, जो यह विशाल चौतरा बनी दिखा रहे हैं, इस पर पहले मुजरा हुआ कहता था, जो आज के ज़माने में नौटंकी बोलते हैं।